क्रांतिकारी जय भीम। मैं सुनील कुमार एडवोकेट की जो रविदास मंदिर के उसमें हमारे जो 96 भाई जेल के अंदर चले गए थे, जिसकी हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी और उसके जब वो डिसमिस हो गई थी तो उसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनकी बेल लगाई है। आज उन्हीं में से एक गौरव, जिस सन ऑफ श्री महावीर, रेजिडेंट ऑफ नियर हरिजन चौपाल विलेज श्यामगढ़ डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा का जो हमारा मूल निवासी भाई है, उसका पेपर सोमवार को एसएससी क्लर्क का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर था और उसके अंदर, क्योंकि वो अपने गांव के अंदर अकेला, जिसने 12वीं क्लास पास कर रखी थी अपनी बिरादरी के अंदर, उसने ये फार्म भर रखा था। तो हमने कोर्ट में ये कहा था कि जी ये इसका फैसला अभी आने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसका पूरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, अकेला ये अपने गांव से पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी के लिए यही एक अकेला माँ बाप की एक आशा है और इसको पेपर के लिए इसको परमिशन दी जानी चाहिए। और हमने इसके लिए कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन अपनी लगाई थी, जो कि आज डॉक्टर नीरा बरियो का एडिशन सेशन जज साकेत कोर्ट ने हमारी वो बेल एप्लीकेशन उसको पेपर देने के लिए अलाउ कर दी है। अब वो हमारा भाई सोमवार को पंचकुला में उसका जो पेपर है वो आराम से अपना पेपर दे सकता है। अच्छा, तो क्या वो अभी मतलब पेपर देकर फिर दोबारा जेल चला जाएगा या फिर बाहर रहेगा? नहीं, वो अभी उसको पेपर देने के लिए परमिशन दी गई है। बात ये है कि अभी तक इन 96 बंदों में से कोई भी हमारा मूल निवासी भाई बाहर नहीं आया था, ये पहला हमारा भाई होगा जिसको हमने बाहर निकाला है। जब एक बंदे को हम बाहर निकाल लेते हैं और दोबारे वो वापस चला जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग हमारा प्राइमा फेसाई केस बन जाता है उसको दोबारे से बाहर निकालने के लिए, कि इसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी थी जो उसने कोर्ट ने जो हमारी बेल एप्लीकेशन डिसमिस करी थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये फ्ली फ्रॉम जस्टिस एंड दे कैन हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो दोनों चीज़ें, इसी के साथ ये मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जब ये कोर्ट जब ये जेल से बाहर निकलेगा ये कोर्ट से भागा नहीं है, वापस जेल में जाएगा तो कोर्ट की जो प्रिजम्पशन था कि ये भाग जाएंगे, तो ये भागने की और दूसरा ये इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेंगे, दोनों की दोनों ये चीज़ें गलत साबित हो जाएगी और इससे हमें जो बाकी हमारे जो साथी हैं उनको बाहर निकालने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ये कितने दिन के लिए बाहर आए हैं? ये इसको पेपर देने के लिए, जो सोमवार को पेपर है, सोमवार को पेपर देने तक के लिए उसको बाहर निकालने के ऑर्डर हुए हैं कि सोमवार को ये पेपर दिलवा के वापस इसको तिहाड़ जेल में लेकर जाएंगे। छोड़ा कब जाएगा ये उनको? इस संडे को उसको बाहर निकाला जाएगा, एक दिन पहले। और मैं, क्योंकि इनका जो पेपर सुबह 8:30 बजे का पेपर है सोमवार को, तो वहाँ पे उसके सही ढंग से पेपर दे सके, तो ऐसे ही उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्शन दी है आईओ को कि वो पूरी व्यवस्था करे एज पर ला और इसको पेपर दिलवा के वापस पेपर ले। लेकिन वो पेपर देंगे, लेकिन तैयारी तो उनकी कुछ भी हुई नहीं होगी क्योंकि एक दिन पहले छोड़ा जाएगा, वो पेपर देंगे क्या? देखो, कोर्ट के अंदर हमने सारी बातें रखी थी, वो कोर्ट का अपना एक अलग वर्जन था। आज शुक्रवार है, शनिवार और इतवार केवल एक ही दिन है अगर तैयारी के लिए, क्योंकि हमारे पास इनके जो फादर ने, उनके जो रिश्तेदारों ने अभी अप्रोच करा था, अगर ये हमें पहले कागज़ दे देते तो हम इनके लिए पहले ट्राई कर चुके होते। हमें कागज़ अभी मिले हैं, जैसे ही हमें कागज़ मिले हैं उसी टाइम हमने कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन लगाई है। ये जो 51 एप्लीकेशन लगाई थी उन्हीं में से ये बच्चा बाहर आने वाला है, इसके अलावा है कोई? ये उन्हीं में से एक है, ये उन्हीं में से एक हमारा भाई है। दरअसल आपने बेल याचिका के लिए वकील साहब जो लगाई थी पहले, और जो दूसरा विपक्ष है वकीलों का, जो दूसरा गुट है, वो आप पे आरोप लगा रहा है कि आप सेशन कोर्ट से आपके जो बेल याचिका निरस्त हो गया, आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में मामला ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए वो आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि वो वहाँ पर उनको याचिका ना लगाने दें हाई कोर्ट में। दरअसल इस मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी हमने किसी के हाथ बांध के नहीं रखे हुए थे। हमारी बेल एप्लीकेशन से पहले
वे बेल एप्लीकेशन अपनी लगा सकते थे या इसके बाद भी लगा सकते थे। ना उन्होंने इस बेल एप्लीकेशन से पहले कोई बेल लगाई है ना इसके बाद लगाई है। जो हमारी जो बेल एप्लीकेशन के अंदर ये जो कूदे थे और कूदने के बाद ये कह रहे थे कि मीडिया के अंदर जाकर ये सारी बेल एप्लीकेशन हमने लगाई है, डिसमिस होने से एक दिन पहले तक उनका ये क्लेम था कि ये बेल एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं और हम ही इसको आर्ग्यू कर रहे हैं, वो उनका सारा क्लेम डे वन से झूठे साबित हो रहे हैं। जो क्योंकि सबसे पहले जिस दिन थाने के अंदर पहली बार अदालत लगी थी, हम इन मूल निवासी भाइयों से हम मिले थे वहाँ पे, हमने वकालतनामे जब इनके लिए थे उस दिन ये क्लेम कर रहे थे कि हमने 96 के 96 आदमियों के वकालतनामे ले लिए हैं और हम 96 की बेल लगाएंगे। हमारा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का उस दिन का भी वर्जन यही था कि हमारे पास 43 लोगों के वकालतनामे हैं और हम 43 लोगों की बेल लगाएंगे, क्योंकि जिसके पास जो वकालतनामे होगा तो उसी के पास अपने क्लाइंट की पैरवी कर सकते हैं। तो उन्होंने उस दिन से लेके जिस दिन तक कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, जिस दिन हमारी ये बेल एप्लीकेशन अगर डिसमिस भी हो गई है उसके बाद भी कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई। मैं इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि चालान फाइल करने में अभी टाइम है। चालान फाइल इसके दौरान अगर हमें कहीं से हमें अपने जो मूल निवासी भाइयों को जल्द से जल्द बाहर निकालना है, जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए अगर ये कोर्ट नहीं मान रही है तो हमें हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर वो अपनी याचिका दायर करी है। हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि हमें इस कोर्ट ने न्याय नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जब पुलिस वाले अपने चालान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे हम जब तक की इंतज़ार करेंगे। हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अपने मूल निवासी भाइयों को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। हमने इस चीज़ के अंदर केवल ये नहीं कि हमारा एक ये लीगल एंगल ही है, हमने इसको सोशल पॉलिटिकल चारों तरफ से सब जगह प्रेशर बना के रखा हुआ है। इवन हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी हम लेटर दे के आए हैं, तो उनको यहाँ भी फरियाद करें कि ये इल्लीगल डिटेन हुए हैं, इल्लीगल डिटेन है, पुलिस वालों ने जानबूझ के हमारे मूल निवासी भाइयों को फंसाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर नहीं करा था कि ये इस रविदास मंदिर जी को तोड़ दिया जाए, ये पुलिस वालों ने जानबूझ के इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को हवाला दे के ये 96 लोगों को गलत फंसाया हुआ है। सर कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि पीपीआई राजनीति कर रही है इस मामले पर, इतनी सारी बेल याचिका या बेल एप्लीकेशन एक साथ नहीं लगा सकते, आपके वकालतनामे पर भी उंगली उठाई जा रही है सर। दरअसल जो पीपीआई के ऊपर उंगली उठाने का जो मुद्दा है मैं आपको क्लियर कर दूँ, दरअसल जो लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पीपीआई इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, अगर आप इस पूरे के पूरे मुद्दे को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अभी जो सहारनपुर के अंदर जो अभी भीम आर्मी जो अपना आंदोलन चला रही है जेल भरो आंदोलन, वो और ये तुगलकाबाद का हमारा गुरुघर रविदास का, रविदास गुरुघर जो हमारा यहाँ पर तोड़ा गया वहाँ से ये राजनीति शुरू होती है, क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन होना चाहिए था और उस सामाजिक आंदोलन को इन लोगों ने एक राजनीति मोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं कि पीपीआई इसके ऊपर राजनीति कर रही है, और मैं ये प्रमाण के साथ आपको क्लियर कर सकता हूँ कि जो भीम आर्मी वहाँ पर आंदोलन कर रही है कि जेल भरो आंदोलन, जैसे ही जेल भरो आंदोलन की बात इन लोगों ने क्लियर की, उस समय तुगलकाबाद में जो 96 लोग अरेस्ट हुए उस समय इन्होंने भारत बंद की वापस इन्होंने पोस्टर डाली, वापस मैसेज करते हैं कि हम फिर दोबारा से भारत बंद करेंगे, तो राजनीति ये क्लियर हो जाती है कि भीम आर्मी किसी भी हालात में ये नहीं चाहती कि 96 लोग बाहर आएँ, क्योंकि वो मिशन चला रहे हैं जेल भरो आंदोलन का। उस जेल भरो आंदोलन को चलाने के बाद बाकायदा वो ये चाहते हैं कि ये लोग अंदर रहें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय रहें, और इनके अंदर रहने से चंद्रशेखर के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा शोषण का मुद्दा सामने नहीं आता, क्योंकि उनको वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट पहले दिन से दिया जा रहा है, और जो कि हमने अपनी आंखों से देखा भी है। कालका थाने में जब पहली कोर्ट लगती है वहाँ पे उनको अलग बिठाया गया था, और अभी भी जिस जेल के अंदर उनको रखा गया है वहाँ पर वो हमारे जो बहुजन समाज के जो बच्चे जो अंदर फंसे हुए हैं वहाँ पे भी उनको उनके साथ नहीं रखा गया है। यहाँ इनके बीच में जो आज हमारे समाज के जो जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं, हमने पहले ही दिन जो हमारी सबसे पहली जो साकेत कोर्ट के अंदर जो बेल एप्लीकेशन लगी, हमने वहाँ पर भी हमारे
लीगल सेल के जो हमारे एडवोकेट सुनील हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कबूला है कि ये बच्चे भीम आर्मी के नहीं हैं, भीम आर्मी के नहीं होने की वजह से ही इनका ये दोष साबित नहीं होता कि ये भीम आर्मी की वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का उग्र आंदोलन करने आए थे। ये आस्था और इनके धर्म से जुड़ी हुई भावनाएं हैं जिसको लेकर ये अपने गांव गली मोहल्लों से निकले और दिल्ली तक पहुंचे। नहीं सर, भीम आर्मी तो एक सामाजिक संगठन है और पीपीआई एक राजनीतिक पार्टी है। बिल्कुल, तो भीम आर्मी कैसे कह सकते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, ये भी आरोप लगा है कि पीपीआई इसमें पूरी राजनीति कर रही है। सर, पीपीआई खुले रूप से पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट कि हम पार्टी से हैं और पार्टी में राजनीतिक हम संगठन जो है वो अपना चला रहे हैं। लेकिन जो भीम आर्मी है वो सामाजिक संगठन है, ये इससे क्लियर नहीं होता कि वो भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, क्योंकि वो सीधे सीधे कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं उनको लेकर वहाँ तुगलकाबाद की भीड़ में पहुँचते हैं, जितने भी उनके आंदोलन चल रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस के लीडर उनके साथ होते हैं, तो वो सामाजिक आंदोलन कैसे हुए? वहाँ पे वो किसी भी तरीके से अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा जल्दी 2020 के चुनाव में चंद्रशेखर रावण वापस राजनीति करने के लिए अपने किसी पिट्ठू को खड़ा करेगा और खुद वो यहाँ पर राजनीति करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी किसी भी स्टेटमेंट में आज तक ये क्लियर नहीं किया कि वो आजीवन भर सामाजिक आंदोलन चलाएंगे। वकील साहब, आपसे एक सवाल है, हाँ, क्या जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि इतनी सारी बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, क्या ऐसा भी कोई कानूनी प्रावधान है कि ज़्यादा बेल लगाने से निरस्त हो जाती हैं, या ये फिर सब गलत बातें? ये सारी बातें, एक पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये कोई चोरी या डकैती या मर्डर का केस नहीं है। चोरी डकैती और मर्डर के केस के अंदर जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है नॉर्मल, हम उसकी पहले बेल लगाते हैं और उसकी बेल हो जाने के बाद उसने जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है फिर हम उसकी बेल लगाते हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक करके हम निकाल रहते हैं। ये हमारा है चोरी डकैती और मर्डर केस के लिए। ये जो केस है ये पॉलिटिकल केस है, इसमें कोई चोरी डकैती मर्डर वाली बातें नहीं है। ये सारे हमारे जितने भाई हैं हमारे गांव देहात से चल के गुरुस्थान के लिए आए थे, तो ये केस उन केस से मेल नहीं खाता। इसके अंदर सभी कमज़ोर कड़ी हैं, सभी कमज़ोर कड़ी हैं, और एक प्रेशर भी रहता है जज के ऊपर भी। जब हम इतने बंदों को 96 आदमी थे जिसके अंदर 6 बंदों का ऊपर कैटेगरी के नाम है, यानी 90 जो आदमी हैं, 90 आदमियों का भीम आर्मी से या इनसे कोई मतलब नहीं था, और हमने ये उनसे बातचीत करने के बाद इन 43 आदमियों की हमने बेल लगाई थी शुरू में, और उसके बाद क्योंकि केस एडजन हो गया था, एडजन हो जाने के बाद कुछ और बंदों ने हमें अप्रोच करा था जिससे ये संख्या इतनी हुई है। इसका ग्रेविटी से कि ये एक है या दो है या इतनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मर्डर वाला या डकैती वाला ये वो वाला केस नहीं है। मैं पिछले 22 साल से लीगल प्रोफेशन में हूँ, मैं अमाइकस क्यूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंडिया हूँ, मैं साउथ एमसीडी का दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट, पंजाब रोडवेज, पता नहीं कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, इनका मैं एडवोकेट हूँ। हमें वकालत के अंदर सभी चीज़ें पता हैं कि मुझे कहाँ कितनी लगानी चाहिए। हमारे पास ये जो बंदे जो हमारे जो मूल निवासी भाई जो इस झूठे केसों में फंसे हुए हैं इनको एक साथ ही हमें निकालना था, क्योंकि इनका कोई भी आरोप पूरी एफआईआर में इनसे कुछ भी रिकवरी नहीं हुई। पहले ही दिन इनका पुलिस वालों पुलिस रिमांड नहीं लिया गया, क्योंकि पुलिस रिमांड जनरली हम जब लेते हैं जब मुझे कुछ इनसे रिकवर करना हो, जब मुझसे कुछ रिकवरी नहीं हुई, मुझसे कुछ रिकवर नहीं करना तो मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। जुडिशियल कस्टडी में भेजने का मतलब कि अब मेरी इस केस में इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए मैंने, जब इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इन भाइयों की, सभी भाइयों की बेल एप्लीकेशन लगाई थी। दूसरा ये बात ये कहते कि आपने इतनी क्यों लगाई, एक आप ये मान के चलो कि एक बेल एप्लीकेशन में खर्चा तो होता होगा, दो में भी, हमने तो पूरी पूरे सभी भाइयों की लगाई थी, इन्होंने तो एक ही भी नहीं लगाई। भाई हमसे पहले ये खूब लगा लेते ना, हमसे पहले अगर मानो कि ये केस के अंदर जिसने भी इस ऑर्डर को ध्यान से भी पढ़ा है वो समझ जाएगा इस केस में कोई दम नहीं था। जो ऑर्डर बेबुनियाद ऐसी बातों पे केस डिसमिस, बेल एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, जो कि
हमें जल्दी से गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि ये उसको डिसमिस करनी थी, जज साहब को, उसने डिसमिस कर दी। अब मुझे न्याय चाहिए, या तो मैं इंतज़ार करूंगा 90 दिन का, 60 दिन का, जो भी हमारा टाइम है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके, जब चालान फाइल करे, जब चालान फाइल कर देगी तो उसके बाद मैं बेल एप्लीकेशन लगाऊंगा। इतना मेरे पास टाइम है कि मैं इस बीच में हाई कोर्ट के, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बेल लेके आ सकता हूँ। अगर चाहे मेरी, अगर सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ये लीगल प्रोपोजिशन, अगर सुप्रीम कोर्ट भी डिसमिस कर देती है चालान के बाद, ट्रायल कोर्ट मुझे बेल दे देगी। मैं इस चीज़ का आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि चालान फाइल हो जाने के बाद हर एक का रोल आइडेंटिफाइड हो जाता है और कोर्ट उसको नए सिरे से देखती है। ये नहीं देखेगी कि इसको हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, या सेशन ने डिसमिस कर दिया था, या सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इतना मेरे पास राइट है पूरा कि मैं अप्रोच सुप्रीम कोर्ट तक कर सकता हूँ। सर, जैसा कि आपने वादा भी किया था कि आप हाईकोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इन 96 लोगों को बेल दिलाकर रहेंगे, उसमें से एक प्रक्रिया आपने शायद पूरी कर ली है, आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है कि 96 के 96 जो भी है वो जितने भी मूल निवासी बाहर आ सके? हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हमने अपनी बेल एप्लीकेशन 4 बंदों की लगा रखी है, जो कि 9 अक्टूबर को सुनवाई के लिए निश्चित हुई है। तो 9 अक्टूबर को पुलिस वाले भी अपना वर्जन हमें दे देंगे, 9 अक्टूबर को हम सभी बंदों को, इन 4 आदमियों को अभी निकालने जा रहे हैं। दूसरा, शायद जो हमने एक प्रेशर ग्रुप अपना तैयार कर रखा है, और मुझे ये है कि शायद ये 9 अक्टूबर से पहले ये हमारे सभी भाई बिना किसी शर्त के बाहर आ जाएंगे। हमारा एक ये प्रेशर भी चल रहा है सरकार के ऊपर, और शायद इसमें कुछ काम भी चल रहा है, क्योंकि मैं अभी ये काम हुआ नहीं है इसलिए मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद 9 अक्टूबर की हमें इंतज़ार ना करनी पड़े, उससे पहले भी हमारे ये सारे भाई बाहर आ सकते हैं। सर, 96 लोगों में से आपने 43 लोगों की बात करी है, हाँ जी, तो आपने ये छांटे हैं कि किन लोगों को आपने बाहर निकालना और बाकी लोगों को छोड़ देना वहाँ पर? जिस दिन ये थाने के अंदर पहली बार अदालत लगी थी, तो उस समय, उस टाइम बारिश हो रही थी, और हम वहाँ पर जब पहुँचे थे तो हमने वहाँ पे हमारे जितने हमारी पूरी लीगल टीम थी, उन्होंने जिसके वकालतनामे पे साइन करके हमने बात कर सके, क्योंकि उस टाइम 96 आदमी थे, एक एक से बात करना संभव नहीं था, हरे हम 43 आदमियों से बात कर पाए थे और 43 आदमियों से वकालतनामा साइन करवा पाए थे। जिसके हम वकालतनामा साइन करवा लिए, जिससे हमारी बातचीत होगी, हम केवल उसका लगा सकते थे, और इसके जिससे हमारी बातचीत नहीं हुई या वकालतनामा ही साइन नहीं हुआ, हम उसकी बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अजीत जी, बार बार ये आरोप लग रहा है कि जब आप इस केस में गए तो जितने एफिडेविट आप लोगों ने लगाए वो फर्जी थे, जबकि ये सारे एफिडेविट आपने लगाए, आपके नाम से डले हैं, इस पर आप क्या कहें? ये जो आरोप लगाने का जो काम कर रहे हैं वो हमारे जो विरोधी हैं, असल में पूरे वो समाज के ही विरोधी हैं। इसमें जितने भी एफिडेविट लगाए गए, 51 लोगों की बेइज्जती, सभी में मेरे नाम से एफिडेविट लगाए थे मैंने पर्सनली, PPI का, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली स्टेट का, और उसमें मैंने एफिडेविट लगा और अपनी जिम्मेदारी ली पूरी कि जितने भी लोग हैं मैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि ये हमारे समाज से बिलोंग करते हैं और ये असल में उस आंदोलन का पार्टी नहीं थे। ये तो सारे के सारे लोग बस स्टैंड से, मेट्रो स्टेशन से और अम्बेडकर भवन से उठाए गए लोग हैं। तो जो लोग आंदोलन में नहीं है, इनको लागू टारगेट करके इन लोगों ने पकड़ा है वहाँ से, और ये सारी एक साजिश है। और जैसा कि अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि PPI के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो राजनीति कर रही है, PPI राजनीति करने नहीं आई है। PPI तो राजनीति कैसे की जाती है सिखाने आई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि अब तक जितने भी लोग दलाली कर रहे थे समाज के नाम पर, जो संगठन चला के लोग दलाली कर रहे हैं मूल निवासी बहुजन के नाम पर, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और यही कारण है कि हमारे लोगों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए PPI आई है, और जिस खेल को इन्होंने बिगाड़ा, यानी एक खेल खेला भीम आर्मी ने मनुवादी लोगों के साथ मिलकर, उसको ठीक करेगी और सभी लोगों को जवाब देगी, और जितने भी लोग जेल में उन सभी को बाइज्जत सुरक्षित उनके घर पहुंचाएगी। जिस तरीके से भीम आर्मी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति खेल रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में भीम आर्मी ने कल जो है 96 लोगों के परिवार वालों को कुछ राहत राशि भी प्रदान की है। सर, वो कुछ आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप समाज के सामने खुलकर बताओ कि आपने आज तक कितने बंदों की बेल एप्लीकेशन लगाई है। खुल के सामने आओ कि मैंने जी इतने बंदों की आज तक बेल एप्लीकेशन लगाई है।
या मैंने हाईकोर्ट के अंदर हमने बेल एप्लीकेशन लगाई है। भीम आर्मी ने अभी तक किसी भी आदमी की बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है। भीम आर्मी चाहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अंदर रहें। उनको ये बाहर निकालने में यकीन अगर कर रहे होते तो मुझसे पहले कई बार बेल लगा चुके होते या अब लगा चुके होते। इन्होंने कोई भी बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है। भीम आर्मी ने किसी को रिप्रेजेंटेशन दिया हो कि ये सारे केस वो झूठे हैं, किसी भी अथॉरिटी को कहा हो, हमने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पास पहले लेटर दिया था, फिर हमने रिमाइंडर भेजा है कि जल्दी से जल्दी इन 96 लोगों को बिना किसी शर्त के बाहर निकाला जाए, जिसमें रिमाइंडर की हमने कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को भी हमने कॉपी भेजी थी। और हमें ये अब ये विश्वास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी जो हमारा सोशल मूवमेंट और लीगल और पॉलिटिकल तीनों वजह से प्रेशर पूरा बना हुआ है, जल्दी है, बहुत जल्द ये भाई हमारे बीच में होंगे। तो आपको क्या लगता है कि 96 लोगों की जो बात बार बार करते हैं भीम आर्मी की तरफ से कि हम उनकी जमानत महसूस करा रहे हैं या करवा रहे हैं, बेल लगा रहे हैं, क्या सब ये मिथ्या बातें हैं? ये सब मिथ्या बातें, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, अगर आपने बेल एप्लीकेशन लगाई है आप रिकॉर्ड लेके सामने आ जाओ कि मैंने जी इसकी बेल एप्लीकेशन लगाई है। उनके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने उस दिन भी पहले दिन 43 आदमियों के करे थे बेल एप्लीकेशन लगाई, बीच में कुछ वकालतनामे मिले तो हमने उसकी दोबारा, ये संख्या जो हमारी बढ़ी थी 43 से वो इस कारण से बढ़ी थी। अब हम 4 आदमियों की हाईकोर्ट के अंदर लगाई है हमने बेल एप्लीकेशन। इस भाई की, गौरव की भाई की, हमने बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में नहीं लगा रखी थी। इसका क्लर्क का पेपर है अपने गांव से, ये अकेला हमारी बिरादरी के अंदर 12th क्लास पास है। हमने कोर्ट में कहा था कि पूरा कैरियर पूरी इसका सब तबाह हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी इस टाइम हरियाणा में इलेक्शन नज़दीक हैं, इस टाइम अगर ये पेपर में बैठ गया, इसका रिजल्ट आ गया और जल्दी से इसकी नौकरी मिल सकती है। नहीं तो हरियाणा में एक कहावत है, जब इलेक्शन के नज़दीकी सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं और भरती हैं, तो इसको अगले 5 साल का इंतज़ार करना पड़ जाएगा। और कोर्ट ने हमारी बात को माना और इसको बात मान के इसको पेपर देने के लिए परमिशन दी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।